नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गर्मी बढ़ गई है। दिल्ली, यूपी से लेकर देश के कई राज्यों में बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सिर पर मंडरा रहा है एक और बड़ा खतरा। हिंदुस्तान पर मंडरा रहा है ब्लैकआउट का खतरा। कोयले से चलने वाले देश के 50 से ज्यादा पावर प्लांट्स के पास सिर्फ और सिर्फ 4 से 7 दिन का कोयला बचा है। अगर इन प्लांट्स का संकट जल्द नहीं सुलझाया गया तो देश बड़े संकट में डूबेगा। 50 कोल पावर प्लांट्स संकट में हैं। सिर्फ 4 से 7 दिन के कोयले का स्टॉक बचा है। ऐसे में हम एक बड़े ब्लैकआउट की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? यूपी, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र पर यह संकट है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी ब्लैकआउट की आशंका है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोयले का स्टॉक नहीं है। ऐसे में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ 4 से 7 दिनों के कोयले का स्टॉक, यानी समझ लीजिए उसके बाद जो परिस्थितियां आएंगी वो बेकाबू हो सकती हैं और एक बड़े संकट की तरफ शायद आशंका दिखती है कि हम बढ़ रहे हैं। सरकारें वक्त से पहले जागती नहीं, प्रशासन को वक्त से पहले होश आता नहीं। नतीजा देश के सामने है, ब्लैकआउट का बड़ा खतरा। हालांकि देश को इस संकट से बचाने की मुहिम शुरू हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल है, हफ्ते भर में क्या 50 से ज्यादा पावर प्लांट्स को कोयले की सप्लाई अचानक दुरुस्त की जा सकेगी? क्या उत्तर प्रदेश में छाने वाला है अंधेरा? क्या दिल्ली पर फिर मंडराएगा बिजली ब्लैकआउट का संकट? क्या बिजली ब्लैकआउट से ठप होने वाला है महाराष्ट्र? क्या गुजरात में भी आने वाला है बड़ा बिजली संकट? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, क्या हिंदुस्तान के कई राज्य बिजली ब्लैकआउट की वजह से अंधेरे में डूबने वाले? खबर पर यकीन करने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन क्या करें, खबर है ही ऐसी डरावनी। अगर वक्त ने साथ न दिया, अगर सब कुछ ठीक ठाक न रहा तो हिंदुस्तान को झेलनी पड़ सकती है बड़ी मुसीबत। ट्रेनों की रफ्तार पर लग सकता है ब्रेक, रुक सकता है शानदार मेट्रो का सफर, सरकारी या निजी दफ्तरों में भी छा सकता है अंधेरा। फैक्ट्रियां, कल कारखाने भी ठप हो सकते हैं। केंद्रीय बिजली अथॉरिटी की सूत्रों की माने तो देश के 50 से ज्यादा पावर प्लांट्स के कोयले का स्टॉक खत्म होने वाला है। इन पावर प्लांट्स में सिर्फ 4 से 7 दिन का ही कोयला बचा है। अगर इन पावर प्लांट्स को कोयला नहीं मिला तो बंद हो सकता है बिजली उत्पादन। हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों में आ सकता है ब्लैकआउट का महासंकट। आपको बता दें, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो कोयले से चलने वाली करीब 100 पावर प्लांट की निगरानी करती है, उसकी तरफ से अगर इन पावर प्लांट्स को कोयले की सप्लाई में आगे किसी तरह की रुकावट आई, जिसके पूरे आसार हैं, तो हिंदुस्तान के कई राज्यों में अंधेरा छा सकता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पर ब्लैकआउट का सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन वो राज्य भी प्रभावित हो सकते हैं जहां इन पावर प्लांट्स में आपात स्थिति में बिजली भेजी जाती है। देश में तकरीबन 100 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि कोयले यानी कोल पर निर्भर हैं, और वो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन उनमें से 58 पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि 20 की स्थिति तो ऐसी है कि जिनके अंदर 0 से 4 दिन का कोयला बचा है। ऐसे में देश के सामने एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, खतरा बिजली गुल होने का। कैमरा पर्सन वकार अहमद के साथ आशीष महर्षि, दिल्ली,
आज तक। ऐसा नहीं है कि देश में कोयले की अचानक कमी हो गई है, कोयले का भंडार पर्याप्त है, लेकिन जो कंपनीज कोयला निकालने में जुटी हैं, उनकी सेहत गड़बड़ा गई है, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। छोटी छोटी वजहों से कोयले का उत्पादन कम हो रहा है और असर पावर प्लांट्स को होने वाली सप्लाई पर पड़ रहा है। हिंदुस्तान के लाखों घरों को, फैक्ट्रियों को या सरकारी तंत्रों को जगमग करने के लिए जो बिजली की सप्लाई होती है, उनमें से एक बड़ा हिस्सा उन पावर प्लांट से पैदा होता है जिनको ऊर्जा कोयले से मिलती है। लेकिन सूत्रों की माने तो कोयले से चलने वाले 50 से ज्यादा पावर प्लांट्स को जिन खदानों से कोयले की सप्लाई की जाती है, वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर पावर प्लांट्स को वक्त पर कोयला न मिला तो हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को झेलना पड़ सकता है ब्लैकआउट, कई राज्यों में छा सकता है अंधेरा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सियासी उलझनों और विरोध प्रदर्शनों में फंसा उड़ीसा का महानदी कोल फील्ड सिर्फ 67% कोयले की ही सप्लाई कर पा रहा है। नतीजा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा कुछ NTPC के प्लांट्स को भी पर्याप्त कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में भी पिछले 2 महीनों से ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद है और इस वजह से कोयले की सप्लाई पर असर पड़ा है। नतीजा महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और NTPC के कुछ पावर प्लांट संकट में हैं और ये राज्य अंधेरे में डूब सकते हैं। CEA सूत्रों की माने तो नदरन कोल फील्ड को लेकर भी बड़ा संकट है। कोयला ढोने वाला बेल्ट टूट गया है, इसे रिपेयर की जरूरत है और जब तक ये दुरुस्त नहीं होता कोयले से चलने वाले कई पावर प्लांट को सप्लाई बाधित रहेगी। नतीजा उत्तर प्रदेश और दिल्ली पर है ब्लैकआउट का बड़ा खतरा। हालांकि रांची स्थित सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि उनकी तरफ से कोयले की आपूर्ति में कोई कसर नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि दादरी में अभी 4,52,000 टन का स्टॉक है जो अगले 16 दिन के लिए उनके लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार बदरपुर में 4,00,000 टन कोयले का स्टॉक है, लगभग 4,00,000 टन, और जो अगले 27 दिन के लिए पर्याप्त है। अगला जो है पावर प्लांट वो है उचाहार। उचाहार जो NTPC का ही पावर प्लांट है, वहाँ पर अभी 3,02,000 टन कोयले का स्टॉक है जो अगले 17 दिन के लिए पर्याप्त है। मोदी सरकार के केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने तो ये माना कि कोयले की सप्लाई में दिक्कत है, लेकिन भरोसा जताया कि देश में ब्लैकआउट का खतरा नहीं आने दिया जाएगा। This is a problem which is a national problem, everybody is aware of, but the plant will not back down. They are making adequate arrangements for coal. सवाल यही है कि सरकार वक्त रहते क्यों नहीं जागती है। देश में गर्मी बेतहाशा बढ़ते ही बिजली की डिमांड भी बढ़ेगी, ये सब जानते हैं, लेकिन सब जानते हुए भी क्यों पावर प्लांट्स के संकट पर गर्मी आने से पहले ध्यान नहीं दिया गया। सरकार बेशक दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में कोयले की कमी की वजह से पावर प्लांट्स बंद नहीं होंगे, लेकिन जिन परेशानियों की वजह से कोयला इन पावर प्लांट्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, उनसे निजात कैसे मिलेगी? चाहे वो महानदी कोल फील्ड्स हों, चाहे वो सदर्न कोल फील्ड्स हों या नॉर्दर्न कोल फील्ड्स हों, हर जगह एक नई परेशानी खड़ी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार का सफर इतना आसान नहीं होगा। कैमरा पर्सन वकार अहमद के साथ आशीष महर्षि, दिल्ली आज तक। सूखे की आशंका को देखते हुए सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने की कवायद अब शुरू कर दी है। आज उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सचिवों के साथ बैठक की और कल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन देंगे। हालांकि इस मीटिंग से पहले एक अच्छी खबर आई है, खुदरा चीजों की महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल के मुकाबले मई में 8.31% कम महंगाई दर दर्ज की गई है। औद्योगिक उत्पादन में भी 3.4% का इजाफा हुआ है। कुमार विक्रांत हमारे साथ, हमारा सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। विक्रांत, महंगाई पर कल पीएम की बैठक और उसमें रामविलास पासवान प्रेजेंटेशन देंगे, मुझे तो लगता है रामविलास पासवान के लिए पहली बार होगा इस तरह से प्रेजेंटेशन देना। जी बिल्कुल, दिलचस्प ये है कि यही वो मंत्रालय है रामविलास पासवान का, फूड एंड सिविल सप्लाई, जिसको महंगाई के चलते शरद पवार ने खुद छोड़ दिया था और कृषि मंत्रालय अपने पास रखा था, तो वो जिसको बाद में KB थॉमस को UPA सरकार में दिया गया।
तो वो बहुत अहम मंत्रालय है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ओर से संदेश आया कि भाई महंगाई पर आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। इसके बाद आज अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा की है रामविलास पासवान ने, और उसके बाद कल शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री के सामने वो एक प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें कि वो अपनी तरीके से बताएंगे क्या क्या किया जा सकता है, और प्रधानमंत्री कार्यालय से जो सुझाव आएंगे उनको दोनों को जोड़ने के बाद फिर आगे सरकार कोई कदम उठाएगी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे वहां पर, तो एक बेहतर कदम कहा जा सकता है फिलहाल इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत, हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। पीएम को प्रेजेंटेशन देंगे रामविलास पासवान। हालांकि इस पर अच्छी खबर, खुदरा चीजों की महंगाई दर में कमी आई है। अगली खबर का रुख, पहले खराब मॉनसून की खबर आई, अब प्याज लोगों को रुलाने की तैयारी में है। पिछले एक हफ्ते से लगातार सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र में ही प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। खबर है कि यहाँ प्याज के दाम में 50% तक बढ़ोतरी हो चुकी है। मुंबई में 1 जून को प्याज 10 से 15 रुपए प्रति किलो बिक रहे थे, लेकिन अब खुदरा बाजार में उसी प्याज का दाम 25 से 30 रुपए के बीच आ गया है, यानी दोगुने से ढाई गुना ज्यादा तक महंगी हो गई है। साफ है इसका असर देश में भी होगा। महाराष्ट्र से देश में प्याज सप्लाई सबसे ज्यादा है। अभी हर शहर में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सरकार ने ऐलान किया है कि वो प्याज के दाम की बढ़ोतरी पर करीब से नजर रख रही है। आज तक इतनी महंगी कभी नहीं थी जो अभी देखने को मिल रही है। एक्चुअली ककड़ी चल रही है 60 रुपए किलो है, बैंगन 40 रुपए किलो चल रहे हैं, टमाटर 30 रुपए किलो चल रहे हैं, लौकी 60 रुपए किलो चल रही है, गाजर 80 रुपए किलो चल रहे हैं, कैप्सिकम 80 रुपए किलो चल रही है, मेथी चल रही है 80 रुपए किलो। आज तक इतनी सब्जियाँ कभी महंगी नहीं थी। एक्चुअली ये वातावरण जो है ना, इसके बदलाव से इतना महंगा हो गया। क्या आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में तो अभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्टली जो चल रहा है वो होते ही जाएगा, कम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री निहाल चंद मेघवाल को जयपुर की जिला अदालत से रेप के एक पुराने मामले में नोटिस भेजा गया है। इस मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी, लेकिन पीड़िता की अपील पर उन्हें ये नोटिस भेजा गया है। मैं निहाल चंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ। राजस्थान के 25 विजेता सांसदों में निहाल हो उठे थे निहाल चंद मेघवाल, जब नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जयी सांसदों में से सिर्फ मेघवाल जी को मंत्री पद के लिए चुना था। तब वसुंधरा राजे नाराज भी हुई थी, लेकिन इनके हाथ में मंत्री पद की रेखा थी तो मंत्री बन गए। यह प्रकट नहीं करूंगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री निहाल चंद मेघवाल बीजेपी की अभूतपूर्व जीत की भूमि पर उर्वर राजनीति कर रहे थे कि अचानक जयपुर की जिला अदालत ने बलात्कार के एक पुराने मामले में उन्हें नोटिस भेज दिया। ये मामला 2 साल पुराना है, जिस पर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी, लेकिन पीड़िता की अर्जी पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। 20 अगस्त तक उन्हें अदालत में पेश होना है। कोर्ट ने जो पीड़िता है उसके द्वारा जो रिवीजन पिटीशन फाइल हुई है उस पे जो एक्यूज है उनको कॉल किया है, और उनको कॉल करके ये कहा है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो 28 तारीख दी है उसके अंदर, उनको 20/8/2014 की तारीख दी है सुनवाई के लिए। तो जो इसमें जो मंत्री है निहाल चंद मेघवाल, पुष्पेंद्र भारद्वाज है, अनिल राव जो एडिशनल एसपी जयपुर के अंदर पोस्टेड हैं, उन सभी को कोर्ट ने बुलवाया। अजीब इत्तेफाक है कि एक दिन पहले ही संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि संसद को अपराधियों से मुक्त करने के लिए तेजी से अदालती कार्रवाई शुरू करने की दरकार है। अब बीजेपी की स्थिति अजीब सी हो गई है। जिस पार्टी के प्रधानमंत्री खुद अपराध मुक्त राजनीति की बातें करते हैं, उसी पार्टी के मंत्री को बलात्कार के एक पुराने मामले में नोटिस भेजा जाता है। शुचिता की इस राजनीति पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि निहाल चंद मेघवाल पर लगे आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन नई नवेली सरकार पर सवाल उठाने का बहाना विपक्ष को जरूर मिल गया है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की, और आज जयपुर की जिला अदालत ने नरेंद्र मोदी के मातहत रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल के खिलाफ बलात्कार के मामले में सम्मन भेज दिया है। पूरे देश में बलात्कार जैसी घटनाओं के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या प्रधानमंत्री सफाई की शुरुआत अपने घर से करते हैं। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।